हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन वेयर वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्लियर ऑल योर बेसिक्स एंड हाउ टू कॉन्कर जे एडवांस प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से प्रॉब्लम्स जो जे एडवांस में आते हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन सीरीज रिएक्शंस। एंड जो सीरीज रिएक्शंस होती है वो आपको बहुत सी बुक्स में नहीं मिलेगी। एंड जो जेई एडवांस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको सीरीज रिएक्शंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए एंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट वेयर टू प्रैक्टिस सीरीज रिएक्शंस एंड हाउ टू सॉल्व देम। सो वेल, अगर आप जेई एडवांस का पेपर देखते हैं एंड इफ़ यू कैन सी द रिएजेंट्स, बिकॉज जो आपका जितने भी रिएजेंट्स इन्वॉल्व है, बिकॉज जो सीरीज रिएक्शंस है उनको सॉल्व करने का मेन तरीका यही होगा कि आप उनको ब्रेक करके सॉल्व करना चाहिए। आपको एक एक इतना जितने 7 to 8 रिएजेंट जो इन्वॉल्व है एक पार्ट में, उसको आपको 1 to 1 यानी आपको एक एक रिएजेंट का आपको वर्क पता होना चाहिए। देन यू कैन अनालाइज कि आप आराम से 80% यानी जो 80% रिएजेंट है, अगर आप एक एक रिएजेंट और एक एक प्रोडक्ट को देख के उसका रिएजेंट का एनालाइज करें कि इस प्रोडक्ट के साथ इस रिएजेंट को रिएक्ट कराए, यानी स्टेप वाइज रिएक्शन में ये रहता है कि जो आपका पहला रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट देगा, देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिर से किसी के साथ किसी के और रिएजेंट के लिए रिएक्टेंट होगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हर रिएक्टेंट जो बन रहा है उसके साथ उस रिएजेंट का क्या रिएक्शन है। सो अगर आप 80% अगर आप देखें तो जितने भी रिएजेंट इन्वॉल्व है जेई एडवांस के पेपर में, सो वो आते हैं आपके एनसीईआरटी से। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन एग्जांपल, एक वैसा ही एग्जांपल सॉल्व करना है उसी के रिगार्डिंग, जिससे आई एम ओनली गोइंग टू शो यू कि एनसीईआरटी का कितना ज़्यादा वेटेज है ऑर्गेनिक के लिए। उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा कुछ क्लैरिफिकेशंस और टिप्स देखेंगे जिससे आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस कवर कर सकते हैं। सो ये है आपका सबसे पहला रिएजेंट अनिलीन। सो अनिलीन को हमने रिएक्ट करवाया है ब्रोमीन, ओके, Br2 इन एक्सेस, उसके साथ आपने लिया वाटर। सो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में। अगर आपने अभी तक चेक नहीं की है तो इट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन, आपको अभी जाके चेक करना चाहिए। सो इस केस में आपका बनेगा ट्राइब्रोमो अनिलीन, जो कि होता है एक वाइट प्रेसिपिटेट, ओके। सो ये बहुत ही एक बेसिक रिएक्शन है। अगर आप इसी को अगर आप जेई एडवांस में आपको प्रॉब्लम देखेंगे, सो ये एक 8 स्टेप यानी एक ही पार्ट का 8 उसके अंदर रिएजेंट दिए, उसका ये फर्स्ट रिएजेंट है। सो अगर आप उस पूरे को एक साथ देखें तो वो आपको काफ़ी टफ लगेगा प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए। सो हम उसे एक ब्रेक करके अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट तक पहुंचना है। देन इन द सेकंड स्टेप देयर इज़ गिवन NaNO2 एंड HCl। सो इफ़ यू हैव स्टडीड द अमीन्स चैप्टर, अगर आपने NCERT में अमीन्स चैप्टर की सारी रिएक्शंस पढ़ रही है, सो आपको पता चल जाएगा कि डायाजोनियम का फॉर्मेशन है और जो यहाँ NH2 की जगह है वो आपका बन जाएगा डायाजोसॉल्ट N2Cl। ओके, सो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसी से आपको नॉलेज मिल जाएगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देन कमिंग टू CuCN एंड KCN, ये भी वही रिएजेंट है जो आपको अमीन चैप्टर में दिया गया है। सो अगर आपके पास N2Cl है, CuCN है इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, तो अगर आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको मैकेनिज्म जानने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इस केस में जो N2Cl है वो एक काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है एंड इसमें क्या होगा, जो साइनाइड है वो बैक अटैक करके आपका यहाँ पे साइनाइड लग जाएगा एंड N2Cl बाहर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू, आपके पास एक बेंजीन है, उस पर 3 ब्रोमीन है, साइनाइड है और उसी पे आपने डाला है एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज H2O एंड H+ और इधर H3O+। सो इन दिस केस जब आपके पास साइनाइड है और H3O+ है, सो इफ़ यू हैव स्टडीड द कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, तो उससे आपको फटा से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो साइनाइड है उसके साथ आपकी हाइड्रोलिसिस हो गई और यहाँ पे आपका बन जाएगा COOH। ओके, यहाँ पे आपका बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो ट्राइब्रोमो बेंजोइक एसिड बन गया है और जो लास्ट है आपके पास SOCl2 इन पाइरीडीन। ओके, सो SOCl2 इन पाइरीडीन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे COOH है, पाइरीडीन है, मतलब कुछ एसिड बन रहा होगा। ये मैं आपको एक इंट्यूटिव अप्रोच बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास जो पाइरीडीन है, ओके, सो SOCl2 इन पाइरीडीन और आपके पास COOH है, एंड सो इस केस में क्या हो रहा होगा, कोई एसिड बाहर निकल रहा होगा, मतलब एसिड जो होगा वो एक लिविंग यानी जो रेसिड्यू बच रहा होगा। तो आप SOCl2 में से जो आपका H है, तो वो HCl जो रहता है वही एक एसिड रहता है और यहाँ पे जो CO के साथ है वहाँ पे आपका लग जाता है COCl।
सकते हो सर, यहाँ पे COCl ग्रुप बनता है, जो HCl आपका जो बाहर होता है वही आपका जो है वो पायरीडीन इससे डाला जाता है ताकि जो आपका मीडियम है न्यूट्रलाइज रहे। नाउ कमिंग टू सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन है आपकी ओलियम। सो ओलियम के साथ अगर आप SO3 यानी ओलियम जो है, अगर आपको पता नहीं है बिकॉज ये NCERT में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रिएक्शन नहीं है, सो अगर आप कोई भी जनरल बुक सॉल्व करते हो तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओलियम होता है आपका SO3 एंड H2SO4 फ्यूमिंग, और इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है जो आपका बेंजीन है उसके ऊपर आपको लगेगा SO3H ग्रुप। नाउ कमिंग टू NaOH एंड हीट, तो यहाँ पे आपके पास सीधा सीधा बनेगा आपका जो फिनॉल की तरफ ही रिएक्शन जाती है, NaOH एंड हीट एंड H+। तो इस केस में डायरेक्ट फिनॉल पे रिएक्शन जाएगी, यहाँ पे आपका बनेगा एसिडिफाई करती फिनॉल। एंड देन व्हेन यू रिएक्ट विद Br2 इन CH2, तो यहाँ पे एक पैरा पे सिर्फ एक Br लगेगा। ये एक ट्रिकी पॉइंट था कि जब Br2 जो है वो CH2 के साथ लगेगा, यानी इन प्रेजेंस ऑफ CH2 है, सो यहाँ पे सिर्फ एक पैरा प्रोडक्ट बनता है एंड ना कि यहाँ पे तीनों जगह नहीं लगेगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, सो यही था जो जे एडवांस का ट्रिकीएस्ट पार्ट था, मतलब ये दोनों तो आपने प्रोडक्ट बना लिए बट जो मेन क्वेश्चन ये था कि इन दोनों प्रोडक्ट को ही आपको फ्यूज़ करना था, फ्यूज़ मतलब इन दोनों प्रोडक्ट्स को ही आपको रिएक्ट करवाना था। सो ये आपने लिया एक तरफ पैराब्रोमो फिनॉल और दूसरी तरफ आपने लिया है हमारा फर्स्ट वाला प्रोडक्ट। सो आपको इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवानी थी इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो NaOH है इन द प्रेजेंस, और ये जब फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा बिकॉज फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, एंड यू कैन सी यानी आप एनालाइज कर सकते हो उसके PKa वैल्यूज़ देख के, ऑल्सो यू कैन इंट्यूटिवली से यानी GOC अगर अप्लाई करें तो आप देख सकते हो वो एक काफ़ी स्टेबलाइज मॉलिक्यूल है, तो वो तो पक्का से अपना H+ लीव करेगा। नाउ कमिंग टू दिस फर्स्ट प्रोडक्ट, सो फर्स्ट प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं जो C है वो O के साथ जुड़ा है, ओके। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है क्योंकि O पे है आपका -4, वो जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड जो Cl है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप बन करके यहाँ से जो है वो Cl निकल जाएगा। सो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहीं पे बस बन जाता है, और इसी के ऊपर आपको जे एडवांस में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है। वेल जे एडवांस 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि इस जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने ब्रोमीन लगेंगे। सो एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे आकर 4 ब्रोमीन्स है, ओके। और अगर आप देखें कि ये इतना जब हम मैंने टाइम दिया तो बस मैंने आपको यही बताने के दिया कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाए मतलब सीरीज रिएक्शन में, तो वही सबसे बेस्ट तरीका है सीरीज रिएक्शन को कॉन्कर करने का, बिकॉज इन द सिलेबस यानी इन द थ्योरी बुक्स जितनी भी आपके बुक्स है उसके अंदर आपको इतनी बड़ी सीरीज रिएक्शन नहीं मिलेगी, बट आपको हर एक रिएजेंट मिल जाएगा। सो इन द पेपर अराउंड 24 to 25 सेकेंड्स इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्वेश्चन, ये उससे ज़्यादा का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपको ओलियम का डायरेक्ट पता है तो आप ओलियम के बाद अगली स्टेप भी स्किप कर सकते हैं, आप इसको माइंड में ही कवर कर सकते हैं कि ओलियम के साथ आपने उसके बाद NaOH और H+ डाला तो डायरेक्ट फिनॉल बन रहा है, फिनॉल के साथ Br2 इन CH2 मतलब एक लगेगा। सो 24 to 25 सेकेंड्स अप्रोप्रिएट है इस क्वेश्चन के, एंड आप फटाफट इसको कवर कर सकते हैं। एंड जो आपका ऑर्गेनिक का ये फायदा होता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से पूरा जो जेई एडवांस में है स्कोर कर सकते हैं इन सीरीज रिएक्शंस में। तो सीरीज रिएक्शंस करने का सबसे जो मैं आपको यही मेन टिप यही है कि स्टार्ट स्टेप वाइज सीरीज रिएक्शंस के लिए, स्टार्ट स्टेप वाइज। जेई मेन में उतना इन्वॉल्व नहीं है, जेई मेन पे 1 से 2 स्टेप में ही आता है, सो उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है जेई मेंस में, बट जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। जो सीरीज रिएक्शन से आपको MS चौहान या हिमांशु पांडे में नहीं मिलेगी, बट आपको सारे रिएजेंट्स मिल जाएंगे। सो एज ऑफ नाउ आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है NCERT, MS चौहान एंड हिमांशु पांडे, यही आपकी स्टैंडर्ड बुक्स रहनी चाहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, होप यू फाइंड इट यूजफुल, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एंड हाई लेवल वीडियोज़। थैंक यू।